लोकसभा चुनाव से एंड पहले बीएसपी को यूपी में बड़ा झटका लगा है। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कुछ देर बाद ही वो दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सांसद रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक है। रितेश पांडे उन 9 सांसदों में शामिल थे जिन्होंने संसद के बजट सत्र के दौरान संसद भवन की कैंटीन में लंच किया था। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हुए और इस दौरान जो है उन्होंने बीएसपी का साथ छोड़ दिया है, यानी कि बसपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं बसपा के लिए एक बड़ा झटका और बीजेपी में शामिल हो गए हैं पूर्व बसपा सांसद रितेश पांडे। तो अब यूपी में भी बसपा को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अम्बेडकर नगर से सांसद जो थे बसपा के पूर्व सांसद रितेश पांडे, उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और बसपा से नाता तोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए, जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दो दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ तमाम आवास, 40,000 से ज्यादा आवास और की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इससे प्रभावित होकर के लोकसभा के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक फोर लेन की बात रही हो और चाहे वो अंबेडकर नगर में रिंग रोड बनाने की बात रही हो, हमारे क्षेत्र को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मैं इसी के साथ साथ आदरणीय नड्डा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस परिवार में जगह दिया है और उसी के साथ साथ मैं देश के गृहमंत्री जी का, जिन्होंने निरंतर मुझे इस पूरी जर्नी में अपना गाइडेंस देने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तन्मयता से प्रदेश और देश की उन्नति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, अपने जिले के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों को जिताने के लिए पूरी मेहनत और पूरी ताकत से मैं काम करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा को ये बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर जो है बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव के पहले झटके पर झटका लग रहा है। पहले अमरोहा सांसद कुंवर दानिश अली ने बसपा से दामन छोड़ा और उसके बाद गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने भी बसपा से अलविदा कह दिया और सपा ज्वाइन कर ली। अब तीसरा बड़ा झटका
बसपा सुप्रीमो मायावती का लगा है नीतीश पांडे का। अम्बेडकर नगर सांसद नीतीश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए आज ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नीतीश पांडे ने पीएम मोदी, अमित शाह और डिप्टी सीएम का आभार भी जताया और यह दावा किया कि बीजेपी लगातार विकास कार्य करने में जुटी हुई है, यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। वही दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बसपा छोड़ने वाले सांसदों को आड़े आदेश दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि कुछ काफी लोग बिना नाम लिए नीतीश पांडे, अफजल अंसारी और पोरदाजी सली का बिना नाम लिए कहा है कि ऐसे लोग साक्षी हैं और आने वाले दिनों में बसपा साथी लोगों को कतई टिकट नहीं देगी। वह पूरी तरह से परख लेने के बाद ही आने वाले लोकसभा चुनाव में टिकट बांटेगी, प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने यह भी बड़ा इशारा किया है कि जिस तरह से जो सांसद उनकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं जी, आसिफ, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि पार्टी की ओर से जो नेतृत्व स्तर पर उनसे कोई भी बातचीत या संवाद नहीं की जा रही थी, किसी भी बैठकों में उन्हें नहीं बुलाया जाता और मजबूरन जो है ये फैसला लेना पड़ा है उन्होंने, क्योंकि इससे इसको लेकर जो उन्होंने पार्टी के नेतृत्व से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके कोई हल नहीं निकला। जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि नीतीश पांडे ने जो इस्तीफा लेटर वायरल किया, बेहद सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा, उसमें साफ तौर पर बड़ा हमला बसपा सुप्रीमो मायावती पर बोला है। मायावती के बारे में कहा है कि वह किसी भी प्रारूप को लेकर कोई संवाद नहीं स्थापित करती थी और न ही किसी मीटिंग में उन्हें बुलाया जाता था। ऐसे में नीतीश पांडे का यह बड़ा हमला भी है और साफ तौर पर नीतीश पांडे जो है यह कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती का अपने सांसदों से कोई नाता नहीं रहता था। फिलहाल जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, लगातार जो है बसपा में भी भगदड़ मच चुकी है और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि 10 बसपा सांसदों में से 3 सपा और 3 कांग्रेस के संपर्क में पहले ही थे और साथ ही साथ 4 सांसद बीजेपी के संपर्क में थे। तो ऐसे में जिस तरह से 10 सांसदों का चले जाना, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सभी 10 सांसद मायावती की नीतियों से त्रस्त होकर आहत होकर अब दूसरी पार्टियों की तरफ। जी आशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।